वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13π/6। ये टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, हम एक्सरसाइज 2.2 में भी कर चुके हैं। इनफैक्ट कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स के इक्वल होता है, बट तब होता है जब हमारा एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। बट यहाँ पे देखिए, ये 13π/6 390 बन जाता, पाई बाई 6 30 होता है, कितना बन गया 390 बन गया, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइन नहीं करता। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई होती है, तो ये इसका आंसर, इसका मतलब 13π/6 नहीं होगा, रॉन्ग है। ये तब होगा जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट कोस इनवर्स कॉस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2π + π/6 लिख सकते हैं। कोस 2π + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और टेन 2π + थीटा टेन थीटा होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए 2π + थीटा एज इट इज रह जाता है। तो कोस इनवर्स तो ये होगा कोस पाई बाई सिक्स। अब ध्यान दें, अब ये जो पाई बाई सिक्स है इसमें आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, तो कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स के इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, सिंस प्रॉपर्टी है हमारी cos inverse cos x x के इक्वल होता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, आ गई आंसर, क्योंकि ये पाई बाई 6 है, यानी कि 30 डिग्री है हमारा, 0 टू 180 के बीच में लाई करता है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, tan inverse tan 7π/6। सिमिलरली tan inverse tan x x के इक्वल होता है, वेयर x लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये देखिए पाई बाई 6 30 को 7 से करेंगे 210, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां होती है, -90 to 90 ओपन इंटरवल होती है, -90 से 90। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली tan इनवर्स, यू राइट tan, इसको कैसे लिखेंगे, π + π/6, 180 + 30 210 हो गया। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, देखो पाई देखते ही एज इट इज आएगा, tan थीटा आ गया, अब रह गया प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा इसके आगे, ये डिपेंड हमारा क्वाड्रेंट करता है, क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, पाई प्लस 180 यहां तक होता है, आपको पता है 180 किस में चले गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अब टेन इनवर्स टेन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, अब पाई बाई 6 देखिए -90 to 90 के बीच में लाई करता है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू दैट 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 24/7। टेक लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin inverse 3/5। अब हमारे पास 2 sin inverse का हमें डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं पता जिससे कि हम 10 inverse में चेंज कर सकें। इसके लिए आप, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करें। जैसे आपको पता है अगर हमें साइन थीटा दे रखा मान लो 3/5, तो हम कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे, 10th क्लास में सीखा ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा बेस निकाल लेंगे हम, बेस हमारा परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आ गया ना। तो सिमिलरली इनवर्स में हमारे पास साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स p/h इज इक्वल टू साइन इनवर्स p/h, कोस में चेंज करना है तो कोस इनवर्स, कोस का क्या होता है b/h, और टेन में चेंज करना है तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो सिमिलरली हम चेंज कर सकते हैं, कोसेक में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। अब यहां पे देखिए साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकालेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मैं इसको 2 tan inverse में चेंज करने जा रहा हूं, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, tan में क्यों किया, क्योंकि मैं tan इनवर्स में लेके तो मेरा ये 2 tan inverse x बन गया, और 2 tan inverse x का हमें फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यूज करेंगे हम 2 tan inverse x का फॉर्मूला, क्या होता है, tan inverse में चाहिए हमें tan inverse
टू एक्स वन माइनस एक्स की होल स्क्वायर। क्यों, क्या यूज किया हमने, सिंस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स की स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये क्या हो गया हमारा टेन इनवर्स, टू से कैंसिल कर सकते हैं हम, थ्री बाई टू वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन। तो ये क्या बना हमारा टेन इनवर्स थ्री बाई टू, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन बाई सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई सेवन हो गया। तो टू पे कटा एट पे, तो कितना आ गया टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाई सेवन। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइव पे। देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन, दीज आर द सेम, फोर फाइव सिक्स सेवन चारों क्वेश्चन सेम है। दो मेथड्स हैं इसको करने के, एक तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा बुक आरडी शर्मा वगैरह में नहीं है फॉर्मूले। एक तो मेरा तरीका ये है, मैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है मेरा, मैं इनको कोस इनवर्स को दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दूं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर टेन इनवर्स को दोबारा आप किसमें चेंज कर देंगे, कोस इनवर्स में चेंज कर देंगे, जैसे हमने यहां पे किया है। ठीक है, बट हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, हम फॉर्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम कोस इनवर्स फोर बाई फाइव प्लस कोस इनवर्स ट्वेल्व बाई थर्टीन। तो यूजिंग कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस है तो माइनस रूट वन माइनस, मैंने फॉर्मूले लिखवाए हुए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेक्चर टू में पार्ट टू। तो इसका अप्लाई करेंगे तो कोस इनवर्स डायरेक्ट हमारा कोस इनवर्स में आ जाएगा एक्स वाई, एक्स हमारा ये हो गया वाई हमारा ये हो गया, फोर बाई फाइव इंटू ट्वेल्व बाई थर्टीन माइनस वन माइनस फोर बाई फाइव का स्क्वेयर वन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन का होल स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया कोस इनवर्स फोर्टी एट बाई सिक्सटी फाइव माइनस वन माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव वन माइनस वन फोर्टी फोर बाई वन सिक्सटी नाइन। तो ये हमारा क्या बना फोर्टी एट बाई सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी, एलसीएम लेंगे ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन कितना आ गया नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, और ये वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव बाई वन सिक्सटी हमारा ये क्या बना कॉस इनवर्स 48 बाई 65 माइनस 15 बाई 65, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 48 माइनस 15 33 बाई 65। ये हमने दिखाना था, दिस इज राइट हैंड साइड। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट कोस इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 बाई 65। जैसे कि मैंने बताया इन क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं हमारे, एक तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, मैं टेन इनवर्स में चेंज कर दू दोनों को, तो जो मेरा आंसर आएगा वो टेन इनवर्स में आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आप फॉर्मूला लगाएंगे, दोबारा फिर टेन इनवर्स को आप किस में चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। ठीक है, या आपके पास दूसरा क्या है, मैं दोनों को साइन इनवर्स में चेंज कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने 12 कोस इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5, तो ये साइन इनवर्स में है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं साइन इनवर्स में। इसको क्यों चेंज कर रहा हूं साइन इनवर्स में, क्योंकि मेरी राइट हैंड साइड साइन इनवर्स में है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला लगा देंगे और वो डायरेक्ट हमारा साइन इनवर्स में ही आंसर आएगा। तो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स, तो ये कोस इनवर्स, ये क्या कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोस इनवर्स मैं आपको बता रहा हूं, कोस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो टेन इनवर्स में हमें चाहिए साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। टेन इनवर्स में अगर चेंज करते हैं तो टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स
टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, बट हमें साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इधर, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर माइनस करेंगे, इसका 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आ जाएगा 25, तो 5 आ गया। और वैसे भी आपको बता दूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ याद कर लें आप, 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 का होता है, ठीक है, और 5 12 13 का होता है, 8 15 17 का होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि एक बड़ी जो साइड होगी जैसे 5 12 13, तो 13 का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब जैसे हमें दो साइड्स दे रखी थी और तीसरी साइड हमें बता सकते हैं हम कौन सी होगी, क्योंकि 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हमारा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये होता है, ठीक है, और ये है हमारा। अब हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, दिस इज साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई की स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही आता है, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स, डायरेक्ट हमारा साइन इनवर्स में ही आ जाएगा आंसर, साइन इनवर्स एक्स अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर, प्लस वाई कितना 3/5 वन माइनस 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया है, x हमारा ये है और y हमारा ये है, x इंटू वन माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर द स्क्वायर रूट वन माइनस x का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स 5/13 वन माइनस 9/25 3/5 वन माइनस 25/169, तो यह हमारा साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस 9 16 16/25 3/5 और 169 माइनस 25 144 169, नॉर्मल कैलकुलेशन है सिर्फ, साइन इनवर्स 5/13 ये कितना आया भाई 16 4 का 5 और 3/5 12/13, तो साइन इनवर्स 25/65 और 36/65, और ये किसकी इक्वल आ गया, एलसीएम लेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये कौन सी साइड है हमारी राइट हैंड साइड, ये हमें शो करना था, ठीक है। सिर्फ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं है। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए हमारी जो राइट हैंड साइड है हमें किस में आंसर चाहिए टैन इनवर्स में, तो आपकी मर्जी है, इस पर या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दें, कोस को भी साइन में चेंज कर लें, या साइन को कोस में चेंज कर दें, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, बट आंसर हमारा कोस में आएगा, उस कोस को फिर चेंज किस में चेंज कर दें टैन इनवर्स में चेंज कर दें, या बेटर है दोनों को मैं टैन में चेंज कर देता हूं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा और आंसर मेरा किस में आ जाएगा टैन में आ जाएगा। तो हम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, यहां पे शो कर दें, यहां पे शो कर देते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, पहले हम टैन इनवर्स में चेंज करते हैं, ये हमारी एक ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, ये कितना परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13, ये कितना है बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, तो 13 5 तीसरी साइड कौन सी बचेगी 12, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी साइड की स्क्वायर में से हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर में से परपेंडिकुलर की स्क्वायर माइनस कर दो, 144 आएगा उसके रूप ले लो 12 आ जाएगा, 3 4 5 ये 4 आ जाएगी, तो दिस इज साइन इनवर्स, ये हमारा टैन इनवर्स में क्या बना परपेंडिकुलर बाई बेस
और ये क्या बना tan इनवर्स में परपेंडिकुलर बाई बेस। अब फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये तो आता ही आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या आता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटो y। ठीक है भाई, दिस इज tan इनवर्स, x क्या हमारा 5 बाई 12 और y कितना है 4 बाई 3, तो 5 बाई 12 प्लस 4 बाई 3 1 माइनस 5 बाई 12 इंटू 4 बाई 3। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स, एलसीएम कितना आ गया 36, तो हम डिवाइड करेंगे 15 प्लस कितना आ गया 12 48, इसका एलसीएम 36 माइनस 20 कैलकुलेशन है, ये तो आपको शुरू से ही आती है, tan इनवर्स 36 आंसर हो गया, ऊपर कितना बना 63 और नीचे कितना 16, कौन सी साइड है भाई राइट हैंड साइड, वही दिखाना था। ठीक है नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी 12(3) का एलसीएम 36 यहां पे लिखा है, वैसे 12 होता है एलसीएम बट हमने 36 इसलिए लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आ गया, क्योंकि नीचे हमारा 36 बनने जा रहा है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटने के लिए मैंने 12 और 13 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले लिया यहां पे 36, और वैसे अगर हम एलसीएम की बात करते तो कितना आता, 12 आता, फिर आगे फिर ऊपर जाके फिर काटना पड़ता है, ये डिनोमिनेटर कट गए इसलिए मैंने 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 36 आ गया, वैसे आप 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/8 = π/4। क्या करें आप, दो tan इनवर्स को एक लेफ्ट कर लें, दो को एक लेफ्ट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, दोबारा फिर दो से एक tan इनवर्स आ जाएगा और दो tan इनवर्स से एक tan इनवर्स आ जाएगा, फिर अगेन रिपीट करें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, जब आप सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1 आएगा और तो 1 किसका होता है π/4 होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप करना है आपने खुद, 8 क्वेश्चन 9, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस x, टेक लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स रूट x 1/2 आया हुआ, देखिए राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अब इस पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स में, cos इनवर्स 1 माइनस x की स्क्वायर 1 प्लस x की स्क्वायर, कौन सा यूज किया है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x की स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये यूज किया है, 1 बाय 2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, देखो आगे ना साइड कौन सी, राइट हैंड साइड, अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से भी कर सकते हैं हम, तो पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा करेंगे, आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, अब हमने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है, अगर मैं 11 करवा देता हूं तो उसी में 10 हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ध्यान से देखें, प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। और क्वेश्चन नंबर 11 में cot इनवर्स की बजाय क्या है, tan इनवर्स, और साइन एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स, बाकी क्वेश्चन सेम है, और जो प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, ऊपर देखिए साइन थीटा है, हम एक्स को साइन थीटा पुट कर देते हैं तो वही बन गया ना 1 प्लस साइन थीटा, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताया है कि जहां पे भी a प्लस एक्स आ जाए और a माइनस एक्स आ जाए, वैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स आया हुआ है 1 माइनस एक्स आया हुआ है, तो वहां पे हम x इक्वल टू कोस a कोस 2 थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पे x a कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है, पुट x इक्वल टू कोस 2 थीटा या x इक्वल टू कोस थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इसका क्या बनता है, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा या a cos थीटा,
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बनता है आपका, बट हम दोनों ही क्वेश्चन एक में हो जाएंगे तो हम x को साइन थीटा पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? साइन थीटा। देखें पुट x इक्वल टू साइन थीटा, वही क्वेश्चन चला जाएगा ऊपर। और जैसे मैंने बताया, जैसे ही आप पुट करते हो, मैं क्वेश्चन 11 करवा रहा हूं, सोल्यूशन 11 का ये वाला, ठीक है? तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया हमारा। तो ये हमारा दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल बना? टेन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी वन प्लस साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। बस हमने क्या किया है, एक्स की जगह पुट की है, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन बन गया ये। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये किस में कन्वर्ट हो गई? इसमें कन्वर्ट हो गई। अब वन प्लस साइन थीटा को आपने चेंज करना है वन माइनस साइन थीटा को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं हम, और जो हमारी इंटीग्रेशन है उसमें भी काफी यूजफुल है। नाउ वन प्लस साइन थीटा को चेंज करेंगे। वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पता है आपको? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा कुछ भी हो, चाहे टू थीटा हो चाहे थीटा बाई टू हो, हम थीटा बाई टू लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो एंगल आगे है साइन थीटा, साइन टू थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने पहले ही बताया टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, बट यहां पे साइन थीटा है, जो भी एंगल यहां पे होगा उसका हाफ आएगा। साइन थीटा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। क्योंकि मेरा ये एंगल हाफ में जा रहा है, अगर यहां पे ध्यान दें, अगर यहां पे साइन टू थीटा होता तो यहां पे मैं लिखता कोस स्क्वायर थीटा लिखता, क्योंकि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता। तो क्योंकि ये एंगल हमारा हाफ में है तो इसको भी आप इसमें लिखेंगे, हाफ में ही लिखेंगे, ठीक है? वन को हम एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा बाई टू इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा हाफ एंगल में जा रहा है। दिस इज कोस थीटा अंडर द स्क्वायर रूट, कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ठीक है? अब हम किसको चेंज करेंगे? रूट वन माइनस साइन थीटा से। सिमिलरली वन को कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। दिस इज कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाई टू। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई? टेन इनवर्स वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, माइनस है रूट वन माइनस साइन थीटा, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये कोस थीटा बाई टू, और माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। समझ में आया ना? ये माइनस होगा तो ये किसका बन गया? ये माइनस का ही प्लस का बन गया, और नीचे रूट वन प्लस साइन थीटा नहीं, वही लिखना है कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। तो ये क्या है हमारा? टेन इनवर्स कोस थीटा कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा? टू साइन थीटा बाई टू, और यहां पे क्या कैंसिल हो गया? साइन, तो टू कॉस थीटा बाई टू। तो दिस इज टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, और ये क्या है हमारा? थीटा बाई टू। अब ध्यान दें,
इसको मैं इधर को रन कर देता हूं, थीटा बाई टू यानी कि 1 बाई टू हमें प्रूव ये करने हैं, 1 बाई टू थीटा। अब हमने साइन पुट x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, ये आ गया हमारा थीटा क्योंकि हमने निकाला था साइन इनवर्स। बट हमें तो ये लाना है राइट हैंड साइड, तो इसको कोस इनवर्स में चेंज कर देते हैं। याद होगा आपको साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई टू होता है और कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई टू होता है, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स भी पाई बाई टू होता है। बट हमें तो कोस इनवर्स चाहिए पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। मैं लिख देता हूं रीजन, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। ठीक है, तो कितना आ गया पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स, वही आ गया, दिस इज राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन से क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 10 क्वेश्चन रूट वन प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे हम, जैसे अभी हमने चेंज किया था वन प्लस साइन थीटा को, अंडर द स्क्वायर रूट वन माइनस साइन एक्स को भी आप ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है।